forget the commercial. अस्सलाम वालेकुम नाज़नीन, उम्मीद है सब लोग खैरियत से होंगे। व्यूवर्स, अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल क्योंकि विद्यान को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पे क्लिक करें ताकि हमारी हर आने वाली नई वीडियो नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो व्यूवर्स, चलते हैं अपनी आज की रेसिपी की तरफ। तो आज की जो सी हमारी रेसिपी है वो है वीकेंड स्पेशल ब्रेकफास्ट, और ये ब्रेकफास्ट के हवाले से रेसिपी है। और ये क्या रेसिपी है? ये रेसिपी है अंडे वाला पराठा। जी हाँ बिल्कुल, अब ये पराठा कैसे बनेगा, इसकी रेसिपी क्या है कि जानते हैं मम्मा से। जी मम्मा, अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है मेरे बहन भैया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये ना मैंने प्याज काट लिए, हरी मिर्च काट लिए, धनिया, ये इसमें भी प्याज, हरा धनिया, हरी मिर्च, एक एक अंडा मैंने तोड़ दिया। अच्छा जी, ये थोड़ा सा ज़ीरा, ठीक है, नमक मिर्च आप अपने हिसाब से भी ले सकते हैं, टू टेस्ट और मतलब जितना आपको रिक्वायर्ड है, जितना आपने डालना है नमक मिर्च, तेज कम, वो आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। सिंपली हम लोगों ने यहाँ पे व्यूअर्स प्याज लिए हैं, धनिया, हरी मिर्च और अंडा डाला है तोड़कर हम लोगों ने, उसके बाद हम उसके अंदर स्पाइसेस डाल रहे हैं क्योंकि आज की जो सी हमारी रेसिपी है वो है अंडे वाला पराठा। तो यहाँ पर पहले जो अंडा हम लोगों ने तैयार करना है उसकी रेसिपी आपको बता रहे हैं। हाँ जी, ये मैं आप फेंट लूँगी इसे, अंडे को फेंट के ना फिर मैं आपको बताती हूँ रोटी कैसे पकानी है। ठीक है, तो बहुत ही मज़ेदार, मतलब बिल्कुल बाजार जैसे हम जो पराठे आपको आज घर बनाना सिखा रहे हैं। तो व्यूअर्स, आप लोगों ने देखना कि मज़ेदार जो से अंडे वाले पराठे हैं वो कैसे तैयार होंगे, और आप लोगों ने फीडबैक देनी है कि क्योंकि आज की मेरी रेसिपी ब्रेकफास्ट स्पेशल है और वीकेंड के हवाले से, तो आप लोग इसको ज़रूर ट्राई करें। ये तो व्यूअर्स, अब हम लोगों ने जो से पराठे तैयार करने हैं उनके हम लोगों ने पेड़े निकाल लिए हैं और वो पराठे हम आपके सामने बेल रहे हैं, तैयार कर रहे हैं क्योंकि आज की हमारी रेसिपी अंडे वाले पराठे हैं और इसके लिए पराठे पहले तैयार करने हैं। उससे पहले हम लोगों ने आपको जो अंडा है उसके ऊपर हम लोगों ने लगाना है वो दिखा दिए कि उसके अंदर हम लोगों ने क्या क्या चीज़ें डालनी है, किस तरह वो तैयार करना है। तो सेकेंड, अब जो पराठा है वो तैयार हो रहा है। ये मैंने बल डालने के लिए ना घी डाला इसमें, घी भी सख्त है ना, सर्दी की वजह से जमा हुआ है। तो ये हैं वो ट्रिक्स, वो टिप्स जिनके ज़रिए बाज़ार वाले इतने मज़ेदार से पराठे बनाते हैं और बलों वाले लच्छेदार जो उनसे होते हैं और जो इस तरह के पराठे होते हैं। देखें, माशाल्लाह कितना अच्छा पेड़ा तैयार हो गया। इस तरह मैं और कर लेती हूँ। अगर मैं तेल में पकाऊँ ना तो फिर वो ना पानी से ही आते, तो इसलिए मैं डालडे में पका रही हूँ इसे। तेल तो पतला होता है ना, तो हाँ जी वो बाल नहीं आते सही। तो अब ये सख्त है घी, इसलिए ज़रा थोड़ा सा मसला बन रहा है इसका। हाँ जी, ऐसे करके ना ये इसलिए मोरियां हो गई हैं इसमें घी की वजह, घी की वजह से, घी दानेदार है ना, इस वजह से ऐसा हो रहा है, जमा हुआ है ना घी। ये तो व्यूअर्स, जब हम लोगों ने जो पराठा है वो तवे पर डाल दिया है, अभी ये कच्चा है ना ऊपर से,
थोड़ी देर वेट करना कि थोड़ा सा ये पक जाए, फ्रिज का आटा भी है ना, तो फिर इसको हमें पलटना है। ये देखिए अब हमने पलट लिया, माशाल्लाह कितना प्यारा लग रहा है। तो व्यूअर्स, आज की जो सी हमारी रेसिपी है वो है वीकेंड स्पेशल ब्रेकफास्ट। ब्रेकफास्ट के हवाले से जो हमारी रेसिपी है इसको आप लोग ज़रूर ट्राई करें, हम अपनी फीडबैक दें। और व्यूअर्स, अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल के विदान को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको इस तरह की मज़ेदार सी जो सी रेसिपीज हैं घर में आसानी सीखने को मिल सके और उनके नोटिफिकेशन आपको हासिल करने होंगे, तो आप बेल आइकन पर क्लिक भी ज़रूर कर लें। देखिए माशाल्लाह, अब ये देखिए मैं ना माशाल्लाह ऐसे डाल के ना सारा अंदर ऐसे फैला देना। हाँ जी, वाह माशाल्लाह माशाल्लाह ऐसे। व्यूअर्स, अब हम लोगों ने इसकी पराठे की साइड जो सी है वो चेंज कर ली है, कि जिसके ऊपर हम लोगों ने अंडा लगाया था वो साइड को हमने नीचे कर दिया, दूसरी साइड ऊपर हो गई है। तो आप लोग देख सकते हैं कि माशाल्लाह कितना प्यारा कलर आ गया और खुशबू का तो क्या ही कहना, कितनी ज़बरदस्त और उम्दा आ रही है। ये नहीं, ये है अब अंडे वाली साइड, माशाल्लाह 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 देखे कितनी ज़बरदस्त लग रही, बिल्कुल भी अंडा नहीं उतरा और वो लगा हुआ है। हम लोगों ने कुछ भी सिंपली सब कुछ हमने आप लोगों के सामने तैयार किया है। डालते हैं और ग्राम टेस्ट करती हैं इस अंडे का ना। ठीक है, देखिए माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त, मेरे तो देख के दिल में इतनी खुशी हो रही है, कितना मज़ेदार सा जो सा जो हम लोग बाज़ार से मंगवाते थे वो हम घर में बासानी बना सकते हैं। तो व्यूअर्स, अब आप लोगों के लिए भी बहुत हेल्पफुल हो गया, आप लोग समझ गए किस तरह बनाना है, क्या यूज़ करना है, बहुत ईजी आप उसको बना सकते हैं। ये देखिए माशाल्लाह, ये देखें आपके सामने हो गया, अब मैं उतार। इसी तरह अब हम लोगों ने जो दूसरा पराठा है वो डाल दिया। इसके ऊपर भी हम लोग जिस तरह हम लोगों ने पहले वो जो अंडा तैयार किया था उसको लगाएंगे, लेकिन थोड़ा सा जब हमारा पराठा तैयार हो जाएगा उसकी साइड चेंज करेंगे उसके बाद लगाएंगे, सेम उसी तरीके से हम लोगों ने ये पराठा भी तैयार कर लेना। ज़्यादा बड़े नहीं बनाने परौंठे और पतले बनाने हैं इसलिए कि उसके ऊपर अंडा लगाना है। हाँ जी, ये देखें, देखिए माशाल्लाह कितना प्यारा लग रहा है ये दिखने में। और अब इसी तरह उसको हम तैयार कर लेते हैं और आपको दिखाते हैं। अभी उल्टाना नहीं, ये ना कच्चा। ये उठा दिया मैंने, अब मैं घी लगा रही हूँ इसके। ये देखिए माशाल्लाह। तो व्यूअर्स, ये है हमारी आज की रेसिपी का फाइनल लुक, क्योंकि आज की जो सी हमारी रेसिपी ब्रेकफास्ट के हवाले से है और आप लोगों के साथ हमने शेयर किए हैं अंडे वाले पराठे। तो आप लोग देख सकते हैं कि माशाल्लाह कितनी अच्छी लेयर है और ये जो अंडा है वो बिल्कुल भी नहीं उतरा, ये देखें कितना अच्छा कितना ज़बरदस्त लग रहा है ये।
तो व्यूअर्स उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी आज की जो सी रेसिपी है वो पसंद आएगी। पसंद है हम अपनी फीडबैक दें, इसके साथ साथ हमारे चैनल को भी ना सब्सक्राइब करना मत भूलें, बेल आइकन पे क्लिक कर लें और इस तरह की मज़ीद अच्छी अच्छी वीडियोज़ के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। तो व्यूअर्स अब आप लोगों से इजाज़त चाहते हैं, इंशाल्लाह एक नई रेसिपी लेकर दोबारा हाजिर होंगे। तब तक के लिए हमें इजाज़त दें, हम आपके लिए दुआगो हैं, हमें दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।